नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं स्वाति, और आई नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। चंद्रनगर में उप सरपंच का चुनाव कराया गया। जी हां, बलरामपुर जिला जनपद पंचायत रामचंद्रपुर की ग्राम पंचायत चंद्रनगर में उप सरपंच का चुनाव कराया गया, जिसमें दो प्रत्याशियों ने फॉर्म जमा किए और प्रथम इकरामुद्दीन अंसारी, द्वितीय रुखसान अंसारी। जिसमें इकरामुद्दीन के पक्ष में वार्ड सदस्यों का कहना है कि हम लोग 14 मत इकरामुद्दीन अंसारी को दिए और पीठासीन अधिकारी के द्वारा वोट पेटी में ना डालकर हाथों में मांगा गया। अंधकार में इससे शंका जता रहे हैं कि कहीं न कहीं हमसे छल किया गया और रुखसाना अंसारी के पक्ष में 7 वोट मिला था। जब प्रमाण पत्र मिला तो रुखसाना अंसारी को मिला, इसलिए पंच एवं ग्रामीण आक्रोशित होकर एसडीएम कार्यालय रामानुजगंज में आकर शिकायत दर्ज कराए और एसडीएम अनुपस्थित होने के कारण आवक जावक शाखा में आवेदन जमा करके रिसीविंग के लिए अग्रिम कार्रवाई के लिए मांग की है। बलरामपुर से हमारे संवाददाता बाल धनी राम की रिपोर्ट। आप सरपंच हैं? जी सर। क्या है आपका कल हुआ उप सरपंच के चुनाव के सिलसिले में आप कुछ बोल सकते हैं? सरपंच के चुनाव में यही हुआ कि एक तरफ अलग से हो रहा था, दो अधिकारी थे, एक अधिकारी मत पत्र दे रहे थे और वहाँ लास्ट में हमारा चुनाव हुआ। जाके देख रहे हैं तो टेबल ले रहे हैं, इससे हम लोग अलग। तो क्या आप पुनः चुनाव करवाना चाहते हैं कि क्या कहना है? जी सर, पुनः चुनाव हो सकता है। ग्राम पंचायत चंद्रनगर से क्या परेशानी है आप लोग के पास? सर जी, ये कल उप सरपंच चुनाव होना था, हुआ, जिसमें पीठासीन अधिकारी के द्वारा धांधली किया गया है। क्या धांधली किया गया? वहाँ पे चुनाव नियम विरुद्ध किया गया है। कैसे नियम के विरुद्ध किया गया? जैसे नियम के अनुसार मत पेटी जो होता है वो पीठासीन अधिकारी अपने टेबल में सामने पंचों के सामने रखा जाता है, लेकिन वहाँ पे दो अधिकारी उपस्थित थे और एक अधिकारी टेबल पर बैठा था जो बैलेट पेपर दे रहे थे पंच को, और पंच लोग वोटिंग करके दूसरा अधिकारी एक अंधेरी रूम में बैठा हुआ था और वो पेटी में डलवाने के बजाय अपने हाथ में लेकर थैली में डालते थे। अंधेरा में क्यों थे? अब ये तो समझ में नहीं आया। इसका विरोध पंच उप सरपंच कैंडिडेट लोग किए, लेकिन लाइट वहाँ व्यवस्था नहीं था क्या? अलग रूम था। क्या इस चुनाव से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, एकदम नहीं, कतई नहीं संतुष्ट हैं। हमारे पक्ष में 15 वोटिंग हुआ है और ये जो विपक्ष था उनके पास 6 था, जबकि वो जीते 12 वोट से। अब हम 15 मतदान किए और हमारे पक्ष में आया 8 वोटिंग। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में कहना चाहते हैं ये कि शासन चुनाव को निरस्त करके पुनः चुनाव करवाए। क्या आप पंच हैं? जी। क्या आपका कहना है? मेरा कहना ये है कि हम लोग जब वोट डालने गए थे तो हम लोग वहाँ पे चीन करके दिए, दो अधिकारी हाथ में लिए और फिर वो अपने हाथ में पकड़े और बोले कि तुम मतलब कर डाल रहे हो। हम लोग बोले कि जी जाओ बाहर, हम लोग बाहर चले। आप लोग वोट डाले हैं? जी ठीक डाले हैं। 15 बार नाम बताइए ना कैंडिडेट के। एकराम नाम, एकराम नाम है उनका। आप लोग सभी लोग एकराम में डाले? सब एकराम में डाले हैं 15 के, और सब अथी 6 लोगों ने थे। तो हम लोग डाल के गए अगले रूम में, दूसरा रूम में बैठे थे और दूसरा रूम में वोटिंग हो रहा था। वहाँ गए तो हम लोग के बैलेट पेपर वे दिए साहब, और फिर डाल के हम लोग और लाने तो वे लिए हाथ में, और बोले जो निकलिए बाहर, हो गया अंधेरे में। सुबह के नियोजित शिक्षकों का अनिश्चितकालीन हड़ताल 10 दिनों से जारी है। समान काम समान वेतन, राज्य कर्मी का दर्जा, एपीएफ आदि मांगों को लेकर पिछले 10 दिनों से नियोजित शिक्षक हड़ताल पर है। वही शिक्षक संघ अध्यक्ष कपिल देव पासवान एवं शिक्षक संघ के प्रखंड महासचिव अनिल कुमार ने बताया कि हड़ताल को धारदार बनाने के लिए बुधवार को जिला कमेटी अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद, सदस्य कमलेश कुमार, विजय यादव, अजय अकेला ने बीआरसी में शिरकत कर हम शिक्षकों का हौसला बढ़ाया और मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने का निर्देश दिया। इस मौके पर टुन्ना यादव, नदीम अख्तर, अरविंद कुमार,
समेत सैकड़ों की तादाद में शिक्षक मौजूद रहे। औरंगाबाद से हमारे संवाददाता लक्ष्मण कुमार की रिपोर्ट। आप लोग लगातार 10 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? आज हम लोग के हड़ताल के 10वां दिन है। सरकार कान बहरी करके हम लोग के आंदोलन को देख रही है। सरकार एक ही विद्यालय में दो तरह के वेतन देती है। इस सौतेलापन व्यवहार को हम लोग को कतई बर्दाश्त नहीं है। सरकार जब तक समान काम के बदले समान वेतन, राजकर्मी का दर्जा एवं सेवा शर्त नहीं देती है, तब तक हम लोग का यह आंदोलन जारी रहेगा। चाहे सरकार हम लोग को जो प्रक्रिया अपना ले, हम लोग को बर्खास्त कर दे, हम लोग को जेल भेज दे, या हम लोग पर जो करना है सरकार करे, हम लोग सहने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग का सिर्फ मांग यही रहेगा कि जब तक समान काम के बदले समान वेतन सरकार घोषणा नहीं करती है, हम लोग का यह आंदोलन। जौनपुर जिले से लगभग 41 किलोमीटर की दूरी पर बिसौली में साईं बाबा का भव्य मंदिर है, जहां पिछले 20 सालों से फरवरी 26 को साईं बाबा का जन्म दिवस मनाया जाता है और यहां पर कई जिलों से साईं बाबा की भव्य पाली की आती है। मंदिर के व्यवस्थापकों का कहना है कि जो साईं बाबा की प्रतिमा शिरडी में है, वही हूबहू प्रतिमा यहाँ भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने शिरडी के साईं बाबा की प्रतिमा बनाई है, वही शर्मा ने यहाँ के साईं बाबा की प्रतिमा बनाई है। यहाँ पर जो भी भक्त सच्चे मन से आता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ दर्शन हो गए तो समझो शिरडी के साईं बाबा के दर्शन हो गए। व्यवस्थापक हनुमान शरण सिंह से बात करने पर पता चला कि यहाँ निर्धारित पुजारी शिव प्रसाद गिरी है, जो मंदिर की देखभाल व पूजा अर्चना करते हैं। भंडारे की व्यवस्था हनुमान शरण सिंह प्रबंधक साई मंदिर समिति की तरफ से होता है, जिसमें 34 से 40,000 लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। और इस मंदिर के संस्थापक सिद्धनाथ सिंह, जो मिलिट्री के सूबेदार मेजर थे, और मंदिर की स्थापना सन 2000 में इन्हीं के द्वारा किया गया था। जौनपुर से हमारे संवाददाता लक्ष्मण कुमार चौधरी की रिपोर्ट। इस मंदिर की स्थापना 20 वर्ष पहले है, ठीक है, 20वां वार्षिकोत्सव है बाबा का। अच्छा अच्छा अच्छा। मंदिर ये हमारे पिताजी प्रतिमा स्वर्गीय सिद्धनाथ सिंह सूबेदार मेजर। मंदिर के बारे में और कुछ बताएं, कुछ जो है भक्त आते हैं यहाँ पे, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है क्या, उसके बारे में कुछ बताएं? यहाँ जो लोग आते हैं, जो जैसी भावना लेके आते हैं, उसका फल मिलता है, तभी तो इतनी भीड़ है जी। ये तो भक्ति पर ही है, विश्वास पर ही आधारित है। कितने भक्त आ जाते हैं यहाँ पे लगभग? कितने भक्त आ जाते हैं लगभग? आपको 40,000, 35,000, 38,000 इतना तो भंडारे में प्रसाद साल में नेता सब तो बराबर लोग आप करते रहते हैं, लेकिन ये बाबा का जन्मदिन यहाँ हुआ है। अच्छा अच्छा। जब मंदिर की स्थापना हुई है तो ये उनका 20वां वार्षिकोत्सव है। ये हमेशा 26 को मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी आज से मतलब 2000 बाबा की स्थापना यहाँ हुई है। मंदिर पर कंप्लीट हुआ था, उस समय बाबा की प्रतिमा का यहाँ अनावरण हुआ था, और उसमें तमाम शंकराचार्य जी के हाथों से यहाँ जो है बाबा का प्रतिष्ठा की गई है। जब पालकी यहाँ जो आती है, पालकी कई जगहों से आती है, कई जगह मलनी से आती है, शाहगंज से पालकी आती है, हाँ दूर दूर से पालकी आती है, बनारस से पालकी आती है, तो कई जगहों से पालकी आती है, करीब 6-7 पालकियाँ आती है। ये सर आप बताएं कि बाबा और कई जिले से यहाँ मुगल सराय, बनारस, भदोही जी, आजमगढ़, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर, सुल्तानपुर जी, तमाम अम्बेडकर नगर, इन जनपदों से अगल बगल के जनपद साईं बाबा जी कहते थे, तमाम श्रद्धालु जो है यहाँ बाबा के दर्शन करने आते हैं, बाबा के वार्षिकोत्सव में भाग लेते हैं। सर कहते साईं बाबा कहते थे कि सबका मालिक एक है, तो इस वर्ड के बारे में आप कुछ बताएं? सबका मालिक एक है, बाबा के कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे वो आप ईश्वर के रूप में देखिए, चाहे भगवान के रूप में देखिए, चाहे अल्लाह के रूप में देखिए, चाहे नानक, चाहे गुरु नानक के रूप में देखिए, चाहे क्रिश्चियन के जो है वो जीजस जी, उनके रूप में देखिए, सबका मालिक एक माने सब एक जी जी जी, वो सर्वशक्तिमान, वो अकेला एक। अब उसका नाम बुलाने का सबका अलग अलग है, कौन किस रूप में किसको याद करता है, कौन किस रूप में किसको मानता है, बाबा के कहने का वही एक बात है, सबका मालिक है। मैं इसमें जौनपुर जिले के कसौली गांव में हूँ। यहाँ विगत कई वर्षों से, लगभग 20 सालों से साईं बाबा का
ये जन्मदिन दिवस मनाया जाता है। लगभग 24-25 हज़ार भक्त यहाँ आते हैं, बनारस, मधुबनी, जौनपुर और कई जिलों से यहाँ भक्त आते हैं और इसी तरह से साईं बाबा का जो है श्रृंगार किया जाता है, इसी तरह से भव्य तरीके से उनको सजाया जाता है और आरती पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। यहाँ देखने के बाद जो है मन आनंदित हो जाता है और इसी क्रम में हमेशा 26 फरवरी को हमेशा जन्मदिवस मनाया जाता है श्री साईं जी का। प्रत्येक वर्ष जो है साईं बाबा का जन्मदिवस मनाया जाता है और आप देखें कि किस तरह से यहाँ आनंदित होकर यहाँ मान्यते मानते हैं, उनके मुरादे पूरी होती हैं। या आप कहाँ से आते हैं यहाँ पे जो शिरडी जी के मंदिर पे साईं जी बाबा? बनारस से आते हैं। क्या है बाबा का बहुत सुने ठीक कि बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है और आज के दिन बहुत वो होता है, बहुत जागते बाबा है ये, इस कारण से। और यहाँ आके भी काफी भी लगा हमको कि बहुत लोग बहुत दूर दूर से आए यहाँ दर्शन किए बाबा का, दर्शन करके काफी खूब ही हुए। पहली बार है मनोकामना पूरी हो जाती है बाबा दर्शन? भैया आप जैसे की जैसे भी आप मनोकामना मांगे बाबा के द्वारा सब पूरी हो जाएगी। कुछ भी आपके बस सच्चे मन से सच्चे भाव से आपको बस क्या है कि बाबा से मांगना है। सर कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? हमें तो 2 साल हो गया पर हम काफी दिनों से सुने थे, बस किसी का कोई साथ नहीं मिला था। आप किसी साथ से बाबा के अपने द्वार पे बुला ही लिए आए हैं? सरौली इसी जौनपुर के रहने वाले हैं। मंदिर के बारे में आप कुछ बताएं कब से, मतलब ये स्थापना कब हुआ? इसी साल आया हूं। अच्छा, वृहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन 15 जोड़े हुए एक दूजे की, जी हाँ, मुंगराबाद शाहपुर नगर के सृष्टि पैलेस में आयोजित हुआ सामूहिक विवाह समारोह। मुंगराबाद शाहपुर जौनपुर अखिल भारतीय उमर वैश्य समाज की जौनपुर जिला इकाई द्वारा बुधवार को मुंगराबाद शाहपुर सृष्टि पैलेस में आयोजित प्रथम सामूहिक विवाह समारोह में उमर वैश्य स्वजातीय समाज के 15 जोड़ों का सामूहिक विवाह धूमधाम से सम्पन्न। और इस मौके पर स्वजातीय समाज के पूर्व से तय किए गए 15 दूल्हों की बारात नगर में मुख्य तिराहे से धूमधाम से निकाली गई। बारात नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए सृष्टि पैलेस पहुंची, जहां पहले से ही मौजूद कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रयागराज की मेयर अभिलाषा नंदी गुप्ता, उमर वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल मुनि, महामंत्री श्याम धर एडवोकेट, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राजकुमार नेता एवं प्रभारी सामूहिक विवाह कार्यक्रम राष्ट्रीय मंत्री घनश्याम गुप्त, मुंबई जिला अध्यक्ष जगदीश प्रसाद, जिला उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार, क्षेत्रीय अध्यक्ष राजकुमार राजू समेत नगर एवं क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोगों ने बारात की अगवानी और स्वागत किया। और इसके बाद सामूहिक विवाह सामूहिक रूप से जयमाल कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मछली शहर के सांसद बीपी सरोज एवं सीमा द्विवेदी एवं उप जिलाधिकारी मछली शहर अमिताभ यादव ने पहुंचकर नव युगलों को अपना आशीर्वाद दिया। और इस संयोजन में जुटी लगभग 10,000 की भीड़ को नियंत्रित करने में थानाध्यक्ष अरविंद यादव, कस्बा इंचार्ज नंदकिशोर शुक्ल, सतहरिया चौकी प्रभारी विनोद कुमार राय सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल एवं महिला सिपाही महिला सब इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमारी मौजूद रहे। मछली शहर से हमारी संवाददाता नेहा पटेल की रिपोर्ट। देश के स्वजाति समाज के राष्ट्रीय पदाधिकारी कार्यकर्ता जुटे हुए तन मन धन से उनमें सहयोग कर रहे हैं। हमारे नगर और जिले के पूरे कार्यकर्ता दिन रात इस कार्य को संपन्न कराने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, जिसका पूरे मीटिंग कमेटियां बनी हुई है और बूथ क्रमवार पूरे सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा है। अब आए हुए अतिथियों का बूथ काउंटर, पर्चे काउंटर और उसके बाद व्यवहार काउंटर और आपके बारात उद्घाटन का कार्यक्रम, बारात ले जाने का पूरा काउंटर, सारे सिस्टम सिस्टमेटिक ढंग से हमारे नगर के कार्यकर्ता, जिले के सारे कार्यकर्ता पिछले एक महीने से लगातार इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको आज संपन्न कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं इसका बृहद रूप और स्वरूप। इसके लिए मैं पूरे महाराष्ट्र से बात करेंगे। हमारा नाम सीमा गुप्ता है और मैम ये बताइए आपको जी बिल्कुल होना चाहिए, हम लोगों की वजह से ही, हम लोग के मतलब तरफ से अगर कोई किसी गरीब का अच्छा हो रहा है और महिलाएं अच्छे घर में चली जा रही हैं लड़कियां और उनके भविष्य के लिए कुछ अच्छा हम लोगों ने सोचा है कि ये बहुत अच्छा है। और हमारे समाज में ये पहली बार मुंगराबाद शाहपुर से लोगों ने किया है और सबके सहयोग से ये काम हो जाए ये हम लोग चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी पूरी तरह से हम लोग का सहयोग करिए। और मैम ये बता, आप मैम आप
अच्छा मैम ये बताइए जो अब सामूहिक विवाह हो रहा है इसमें मतलब घर वालों से भी पैसा लिया जा रहा है? नहीं ऐसा नहीं है, सब से लिया जा रहा है और यहाँ पे हम लोग को यहाँ मतलब पहली बार मौका मिला सजाने का, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी मोगरा बादशाहपुर में ये फर्स्ट टाइम हो भी रहा है और ऐसा होता रहेगा और हम लोग इससे बहुत उत्साहित हैं। ये हमारे मुगरा का सौभाग्य है कि इतना बड़ा आयोजन 15 साथियाँ एक साथ हो रही हैं, वो भी इसमें कोई नहीं किया जा रहा है, हमारे सब सहयोग कर रहे हैं। नहीं ये पहली बार होता है और आगे भी होता रहेगा। मैम ये बताइए सामूहिक विवाह में आप मतलब किस तरह से मतलब उनको सपोर्ट करती हैं? मैं यहाँ पे एक मतलब कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हूँ और दुल्हन के साथ उनके साथ रहना, उनका मेकअप करना, उनका क्या चीज़ करना, उनको जयमाल स्टेज तक ले आना, ये सारा कार्य हम लोगों का है। अच्छा आप लोग पार्लर की तरफ से आई हैं? नहीं नहीं एक्चुअली हम लोग ऐसे ही आए, हम लोग यहाँ अध्यक्ष मतलब एक हम लोग मेंबरशिप में है सब लोग जो लेडीज हैं। अच्छा मैम कितने कितने जोड़े कितने दुल्हन हैं? 15 इंडिया से नेहा पटेल। और आज हम मुगरा बादशाहपुर में आए हुए हैं, यहाँ पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। यहाँ पर 15 जोड़ों की शादी होगी आज और यहाँ से बारात जाएगी पैलेस में। यहाँ जय माँ काली का मंदिर है, यहाँ पर बारात रुकेगी, फिर बारात यहाँ से पैलेस में जाएगी। और चलिए आपको हम बाराती की साइड बाराती की ओर लेकर चलते हैं। आज उमरबय समाज की 15 कन्याओं के हाथ पीला किया जा रहा है माँ काली के मंदिर में। सभी उमरबय स्वजाति बंधुओं द्वारा नारियल तोड़कर यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके बाद बारात यात्रा सृष्टि पैलेस के लिए रवाना होगी। सभी जनपद वासियों को उमरबय समाज को अपने सहयोगियों को पूरे देश के सहयोगियों को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और इस ओर पूरे समाज की मनोकामना पूर्ण करें और बार बार हमारे इलाहाबाद के शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में आज चंद्रशेखर आजाद को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। शहीद चंद्रशेखर आजाद के 89वीं शहादत दिवस पर उनकी आदमकद प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई। तो वहीं जिला प्रशासन की ओर से उनके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ ही 21 गन शॉट व पुलिस बैंड बजाकर सलामी भी दी गई। जंगे आजादी के दौरान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जीते जी अंग्रेजों का हाथ तो नहीं आए और प्रयागराज के इसी आजाद पार्क में 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों से लोहा लेते हुए खुद को गोली मारकर शहीद हुए थे। शहादत दिवस के इस मौके पर आजाद पार्क के इस शहादत स्थल पर जहां शहीद हुए थे चंद्रशेखर आजाद की आदमकद मूर्ति पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज अरुण कुमार गुप्ता, सांसद केशरी देवी पटेल समेत बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चों, समाज सेवी संस्थाओं व शहर के गणमान्य लोगों ने लोगों शहीद चंद्रशेखर आजाद अमर रहे के नारे लगाकर उन्हें नमन किया और फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीद की याद स्कूल के बच्चों की ओर से आजाद की याद में उनके चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रयागराज से हमारी संवाददाता कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी कुर्बानी देश के स्वतंत्रता आंदोलन में दी थी और आज का ही दिन था और इसीलिए पूरा प्रयाग और पूरा प्रयाग ही नहीं पूरा प्रदेश और देश उनकी शहादत दिवस को याद करता है और उनकी स्मृति में आज यहाँ पर एक पुलिस की परेड एक गार्ड थी जिसने सलामी दी और साथ ही साथ किस फायर के साथ उनको ये सलामी दी गई है और यहाँ के सारे लोग यहाँ के जज श्री अशोक गुप्ता जी यहाँ के जो भी गणमान्य लोग हैं
सारे लोग उनकी शहादत को याद करने के लिए यहाँ पे थे और पुलिस की टुकड़ी भी उसी कार्यक्रम में यहाँ मौजूद थी। ठीक है, उसके दिन पर मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, नमन करती हूँ, याद करती हूँ और आह्वान भी करती हूँ कि अपने देश के नायकों से कि उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके प्रेरणा लेंगे और आगे अपने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम करेंगे। इतने के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ।